नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा निन्नी, इनके जेंडरचे के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। भारतीय सिनेमा की मशहूर हीरोइन निन्नी, जिन्हें द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दोस्तों ये महान अभिनेत्री है। इनका असली नाम नवाब बानो उर्फ निन्नी के नाम से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता है। निन्नी का यह नाम उन्हें राज कपूर ने दिया था। वो समय था जब निन्नी सुपरस्टार थी और निर्देशक उनसे फिल्में साइन कराने के लिए लाइन लगा कर रखते थे। निन्नी ने दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर तक सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन कई फिल्मों में अपने किरदार के चुनाव करने में गलती कर दी और इस गलती की वजह से उन्हें अपने करियर में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, निन्नी को सबसे पहला ब्रेक राज कपूर ने अपनी फिल्म बरसात से दिया था। राज कपूर की मुलाकात निन्नी से, महबूब खान जी पिक्चर बना रहे थे अंदाज, जिसमें राज कपूर और दिलीप साहब थे, इनके सेट में निन्नी खाली मिलने के लिए आई थी, जहां राज कपूर ने उन्हें देखा और उनसे वो काफी प्रभावित हुए। राज कपूर अपनी नई फिल्म बरसात के लिए सेकंड लीड नई हीरोइन को तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने निन्नी को देखा तो इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें साइन किया और इस फिल्म के बाद निन्नी फिल्म जगत में छा गई और उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। निन्नी अपने हिसाब से फिल्मों का चुनाव करने वाली अभिनेत्री थी। निर्देशक उनकी हाँ का कई दिनों तक इंतजार किया करते थे। निन्नी ने अपना खूब नाम कमाया और एक रोज अखबार की सुर्खियों में छपा द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। ये निन्नी के लिए था और इसके पीछे का एक किस्सा बेहद मशहूर है। दरअसल फिल्म आन को बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था। लंदन के रियल थिएटर में इसे प्रदर्शित किया गया। वहां आन को सेवेज प्रिंसेस नाम से रिलीज किया गया था। इस प्रीमियर पर महबूब खान, उनकी पत्नी और निन्नी मौजूद थे। फिल्म के प्रीमियर में कई विदेशी सितारे भी शामिल हुए। इन्हीं बड़े सितारों में एक नाम था एरल। एरल ने अपने विदेशी रिवाज के अनुसार आगे बढ़ते हुए निन्नी का हाथ चुमने की कोशिश की, लेकिन अभिनेत्री दो कदम पीछे हो गई। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। बस अगले ही दिन अखबार की सुर्खियों में निन्नी के लिए लिखा गया था द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। साल 1962 में फिल्म मेरे महबूब के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश की जा रही थी। निर्देशक हरनाम सिंह निन्नी को फिल्म में बतौर लीड एक्टर कास्ट करना चाहते थे और उन्होंने निन्नी को ये रोल ऑफर कर दिया, लेकिन निन्नी ने लीड रोल लेने की बजाय हीरोइन की बहन का रोल लेना चाहा। दरअसल हरनाम निन्नी को लीड एक्ट्रेस और बिना राय को राजेंद्र कुमार की बहन के रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे, लेकिन निन्नी को लगा कि हीरोइन के किरदार से ज्यादा अच्छा और जरूरी बहन का किरदार है। बस उन्होंने ये सोचा और वो बहन के किरदार के लिए अड़ गई। निर्देशक हरनाम सिंह ने लाख बनाने के बाद भी जब निन्नी नहीं मानी तो थक हार कर निर्देशक ने निन्नी को बहन का किरदार दे दिया और लीड एक्ट्रेस के लिए उन्होंने अभिनेत्री साधना साइन कर ली। फिल्म रिलीज हुई और निन्नी की सोच का बिल्कुल उल्टा हो गया। फिल्म हिट हुई और बतौर लीड एक्ट्रेस साधना टॉप की हीरोइन बन गई। दर्शकों ने साधना के किरदार को ज्यादा पसंद किया। बहन के किरदार में निन्नी का करियर यहां से सीधा जमीन में आ गया। फिल्म मेरे महबूब हिट हुई और साधना रातों रात स्टार बन गई, तो वहीं निन्नी को इस गलती का खामियाजा अगली फिल्म में भुगतना पड़ा। अगली कई हिट फिल्में साधना के पास चली गई और निन्नी के पास फिल्में नहीं आ रही थी।
इसके पहले अभिनेत्री निम्मी कई बड़े फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है, जिसमें है बरसात, दीदार, दाग, आन, उड़न खटोला, बसंत बहार, कुंदन और भाई भाई शामिल है। नवाब बानो का जन्म 18 फरवरी 1933 को आगरा में हुआ था। नवाब बानो का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी माँ एक गायिका और एक अभिनेत्री थी, जिन्हें वही दान के नाम से जाना जाता था। वो फिल्मी उद्योग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। मिन्नी के पिता अब्दुल हकीम एक सैन्य ठेकेदार के रूप में काम करते थे। मिन्नी के जन्म का नाम नवाब उनके दादा ने दिया था, जबकि उनकी दादी ने बानो जोड़ा था। उसकी माँ के महबूब खान और उनके परिवार से बहुत अच्छे और पुराने संबंध थे। महबूब खान फिल्म निर्माण से संबंधित कार्य करते थे, ये हम सभी जानते हैं। जब निम्मी केवल 11 वर्ष की थी, तब उसकी माता जी की अचानक मृत्यु हो गई। उसके पिता मेरठ में रहते थे, जहां उन्होंने काम किया, और उनका एक और परिवार था। इस समय तक निम्मी की मां से उनका संपर्क कम ही था। निम्मी के पिता का निम्मी के परिवार से उनकी माँ के निधन के समय तक रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए निम्मी को उसकी नानी के साथ रावलपिंडी के पास एबटाबाद में रहने के लिए भेज दिया गया। सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ और एबटाबाद पाकिस्तान चला गया। निम्मी की दादी मुंबई आ गई और अपनी दूसरी बेटी के घर में रहने लगी। इनकी दूसरी बेटी का नाम था ज्योति, जो कि एक खुद जानी मानी अभिनेत्री थी। ज्योति का विवाह एक लोकप्रिय भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीत निर्देशक जी एम दुरानी से हुआ था। 1948 में प्रसिद्ध निर्माता महबूब खान ने उनकी माँ वहीदीन, जिन्हें 1930 के दशक में कई सारी फिल्मों में लिया, जिसकी वजह से महबूब खान और उनकी पुरानी जान पहचान थी। 1950 के दशक में उन्होंने राज कपूर के साथ बनवाड़ा, देवानंद के साथ सांझा, आंधियां जैसी शीर्ष नायकों के साथ काम किया। दीदार 1951, दाग 1952 जैसी फिल्मों में सफलता के बाद निम्मी ने दिलीप कुमार के साथ एक बहुत लोकप्रिय और भरोसेमंद स्क्रीन जोड़ी बनाई थी। निम्मी खुद एक गायिका थी, उन्होंने बेदर्दी 1951 की फिल्म में अपने गाने गाए थे और इसमें वो हीरोइन भी थी। चार दिल चार राहें में उन्होंने एक वैश्य का किरदार निभाया था, जो कि काफी विवादास्पद हुआ। इसके बाद से लोग निम्मी के पास इसी तरह के रोल लेके आया करते थे। इन्होंने एक बहुचर्चित फिल्म लव एंड गार्ड में काम किया। लव एंड गार्ड में पहले गुरुदत्त मुख्य भूमिका में थे, उनके गुजर जाने के बाद इस फिल्म के हीरो बने संजय कुमार। फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद निर्देशक आसिफ की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये फिल्म को बंद कर दिया गया। आसिफ की विधवा ने 6 जून 1988 को लव एंड गॉड को रिलीज कर दिया। निम्मी ने राज्यसभा टीवी के साथ एक साक्षात्कार में अपना बयान दिया कि पहली बार अपने पति अली राज की एक तस्वीर देखी थी, जो खुद महबूब स्टूडियो में पटकथा लेखक थे। एक प्रसिद्ध स्टूडियो में शूटिंग के दौरान उसके नाई ने फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया में उसे राजा की तस्वीर दिखाई थी और उनसे पूछा था कि क्या वो उनसे शादी करना चाहेंगी। उसे विचार पसंद आया क्योंकि उसे अली राज के बारे में सुना था और जल्द ही उसने सह अभिनेता मुकरी ने भी यही सुझाव दिया। बाद में उनके माता पिता मिले और फिर उनका विवाह हुआ। इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ। दोनों दाम्पत्य को कोई भी संतान नहीं हुई, इसकी वजह से ये दोनों बहुत निराश थे। बाद में उन्होंने निम्मी की बहन के बेटे को गोद ले लिया, जो अब लंदन में रहते हैं। उनके पति अली राज का 2007 में निधन हो गया। 2015 में कलकत्ता पुरस्कार लिविंग लेजेंड अवार्ड दिया गया। 25 मार्च 2020 को 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। निम्मी 1949 से लेकर 1965 तक फिल्मों में सक्रिय रही। इस दौरान उन्होंने जो फिल्मों में काम किया उनके नाम बता देता हूँ। बरसात 1949, दीदार 1951, दाग 1952, आन 1952, अमर 1954, उड़न खटोला 1955, कुंदन 1955, बसंत बहार 1956। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।